अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली। तो भाई आज के व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। इससे तो पहले हम जो है ना जानवरों की खुराक वगैरह भिगो लेते हैं, उसके बाद आपसे तसल्ली से डिटेल से बात करते हैं। आज का मसला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको व्लॉग स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तो फटाफट से पहले कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट। तो जो हमारे चैनल पर नया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, तो यहीं से लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट। कर लें बैक टू अनदर व्लॉग। आज का ये मसला, ये पहले छोटा सा मसला था, तो आज का ये मसला जो है ना मसला कश्मीर बनता जा रहा है। वो यूं के मतलब कि आजकल जो कुछ लोग हैं जो हमें बोल रहे हैं, भाई तुम्हारे व्लॉग में आजकल कुछ जान नहीं है, हर रोज़ एक ही व्लॉग बनाते हो, जानवर जानवर, कभी जानवर दिखा रहे हो, कभी तुम मुर्गियाँ दिखा रहे हो, कभी तुम मुर्गियाँ दिखा रहे हो, कभी तुम चूजे दिखा रहे हो, कभी तुम ये कुड़क पर बैठी हुई मुर्गी दिखा रहे हो। कुछ नया करो भाई कुछ। अभी मोबाइल मेरा गिरने वाला था, कुछ नया करने के चक्कर में मोबाइल मेरा जाने वाला था। तो पहले जो है ना हम आज जो है ना हमने अभी तक दौर की नमाज़ नहीं पढ़ी है, पहले इंशाल्लाह वज़ू करेंगे। वज़ू करके हम वज़ू करते हैं हैंड पंप पे। तो आप लोग कहाँ पर वज़ू करते हैं, मतलब नल पे, मोटर पे, हमें कमेंट करके बताएं। तो पहले हम वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद व्लॉग का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक में। वहाँ से जो है ना कुर्सी उठा लेंगे, कुर्सी पर रेत फेंकी हुई है बछड़े ने। आप लोगों को पता है बछड़े जब बैठते हैं तो दो तीन बार पीछे पैर मारते हैं फिर आगे बैठते हैं। कुर्सी इसलिए उठा रहा हूँ तो आपको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे हम कुर्सी पर मोबाइल, क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि वजू कर रहा है, यहाँ पर रखेंगे मोबाइल कुर्सी के ऊपर। तो गाइस माशाल्लाह हमने वजू वगैरह कर लिया, वजू करने के बाद हम लगाएंगे गेट को कुंडी, ताकि हम नमाज पढ़ रहे हो कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। लगाना जो है लाजमी है, जब नमाज़ पढ़ रहे हैं पीछे से कोई ना कोई आ गया। आजकल जो है ना इलाके में चोरियाँ भी बड़ी हो रही हैं, तो एहतियात ज़रूरी है। तो उठा लेते हैं यहाँ से जानवर, ओए निकल निकल ऐसा, ये और मुर्गी के पाँव में धागा फंसा हुआ है, ये चेक करें, निकल गया धागा मुर्गी के पाँव में था। बाकी जान नमाज उठा लेते हैं, और हमारे नमाज़ पढ़ने की जो फॉर्म पर जगह है वो है इस चारपाई के ऊपर। सामान हटाते हैं, जान नमाज बिछाते हैं और शुरू करते हैं नमाज ज़ोहर। तो आई चेक करें, हम यहाँ नमाज़ पढ़े थे और यहाँ चेक करें यहाँ पर तो मुर्गियों का हजूम है। आज हमने ये कमरे की सफाई करनी थी थोड़ी बहुत, हमने मंगाई, ये देखिए चेक करो, बार 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 माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें नजर वस से बचाए। तो फटाफट से ना हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह के करम से नमाज वगैरह पढ़ लिए और ये पहनते हैं अपनी चप्पल, चौ नमाज को अपनी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। और अब आज ना अब हमने सोचा है कि अब अपने पिजन को मतलब कबूतरों को जल्दी खोल देते हैं, आज इनके लिए सरप्राइज है। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए चेक करें अपने अपने घरों के अंदर, और ये केज खुलते ही फटाफट से ऐसे निकलेंगे। देखें कुछ तो रेडी हो गए हैं बिल्कुल, ये 1 2 3 स्टार्ट, ये माशाल्लाह चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। और ये अभी थोड़ी देर में ना अभी जगह को देंगे फुल हो जाएगी। अभी यहाँ पर दाना रखते हैं, पानी रखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस कबूतरों को जो है उनका दाना पानी दे दिया था, और उनके लिए छोटा सा स्विमिंग पूल का इंतखाब करते हुए वो इसलिए क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ी है, तो हमने कहा ये टब भर के रख देते हैं, क्या पता ये लोग इसमें आकर नहाएं, देखते हैं नहाते हैं कि नहीं। भाई हाथों हाथ हम सोच रहे हैं कि अपने छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू चूजों को भी खोल देते हैं, माशाल्लाह से इनका टाइम भी हो गया, बस आधा एक घंटा रहता है, लेकिन हमने कहा जल्दी खोल देते हैं। वो ये इसको देखो ये कहाँ घुसा हुआ है, ये देखो ये फंस गया है चादर के नीचे, और ये इसके ऊपर मैंने चादर बिछाई हुई है लोहे की, ये देखो ये फंस गया, ये ना बहुत गलत चला गया। अब इसको ना फटाफट से निकालना पड़ेगा, इसको निकालते हैं सबको एक साथ बाहर निकालेंगे। वेलकम हो गया। तो भाई अभी जो है ना हम असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हैं। हम जो है ना अक्सर अपने जानवरों का काम जो है सारा का सारा असर की नमाज़ के बाद स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से अब नमाज़ तो पढ़ ली है, अब फटाफट से बच्चों वगैरह को सबको बाहर बांधते हैं, इनकी खुराक बना के देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बाकी माशाल्लाह जाते जाते चेक करें, सब घूम फिर रहे हैं, नाच रहे हैं माशाल्लाह, सिर्फ इसके सिवाय क्योंकि थोड़ा बहुत बीमार है, इसका ट्रीटमेंट किया, इंशाल्लाह एक दो दिन में ये भी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह इसे चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचे। तो भाई वेलकम हो गया। तो बछड़े वगैरह हमने बांध दिए, बकरों को खुराक दे दिए, भैंस और उसके बच्चे को मतलब कि कट्टी, दोनों कट्टियों को खुराक वगैरह दे दिए यहाँ पर माशाल्लाह। चेक करें बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में मसरूफ़, यहाँ टेटे के लिए अलग से तैयारी में दिया जाता है, और माशाल्लाह बच्चे वगैरह भी खाने पीने में मसरूफ़, यहाँ थोड़ा हाथ वगैरह मारते हैं, खुराक थोड़ी जो है ना साइड वगैरह पर लगी हुई है, बच्ची भी ये फटाफट से ही करते हैं। और हाँ वहाँ पर हमने दोनों की दोनों कट्टियों को
खाना वगैरह दे दिया था माशाल्लाह, चेक करें ये भी अपना खाने पीने में मसरूफ। अब क्या रहता है, अब रहता है यहाँ की सफाई। तो यहाँ पर बछड़े वगैरह बंधे हुए थे, यहाँ फटाफट से सफाई करते हैं, तो हम करने लगे हैं सफाई। आप लोग तब तक करते हैं हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, तो यहीं पर करते हैं ब्लॉग का एंड। तो जाते जाते हमने एक चीज़ दिखानी है आपको जो कि रॉकी, माशाल्लाह काफ़ी दिनों से आप लोगों को दिखाया नहीं हमने, माशाल्लाह ये वैसी की वैसी है, ना इसने कद बड़ा करना है ना इसने मोटा होना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।